इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक। देखिए मेरे साथ मुद्दा। नमस्कार, आप देख रहे हैं firstbite.tv। ऐसी लापरवाही सिर्फ मेरठ में ही संभव है। संक्रमित लोगों के इलाज व खाने में लापरवाही, बंदरों द्वारा कोरोना संक्रमित लोगों के ब्लड सैंपल छीनकर भाग जाने की घटना के बाद अब दो शव आपस में बदले जाने की घटना सामने आई है। शव मिलने के बाद मेरठ कंकड़ खेड़ा के निवासी परिवार ने दूसरे शव का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन मोदी नगर निवासी परिवार ने जब शव खोल कर देखा तो पाया कि वह उनके परिजन का नहीं है। मेरठ मेडिकल कॉलेज संपर्क किया गया तो उन्हें यह कहते हुए पहले डराया व धमकाया गया कि उन्होंने पैकिंग खोलकर शव देखा क्यों। सख्त हिदायत है कि शव का पैकिंग के साथ ही अंतिम संस्कार कर दिया जाए। मामला मीडिया की जानकारी में आते ही मेडिकल कॉलेज व प्रशासन ने हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी मेरठ अनिल ढींगरा ने ADM सिटी व CMO की एक जाँच कमेटी गठित कर दी है। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने भी जांच के लिए अन्य कमेटी गठित की है। सुबह तक इसकी रिपोर्ट देने की हिदायत दी गई है कि किस लापरवाही व जवाबदेही के चलते यह संगीन लापरवाही हुई है। दरअसल मेरठ कंकड़खेड़ा निवासी 58 वर्षीय श्री यशपाल को 3 व मोदी नगर निवासी गुरुबचन सिंह को 4 सितंबर को मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। बीते दिवस दोनों के कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई। दोनों के शव मेडिकल कॉलेज से भेजे जरूर गए, लेकिन वे बदल गए। गुरबचन का शव मेरठ कंकड़खेड़ा और यशपाल का शव मोदी नगर पहुंच गया। कंकड़खेड़ा के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन मोदी नगर में ऐसा नहीं हुआ। अंतिम दर्शन की चाह में वहां पैकिंग खोलकर चेहरा देख लिया गया। आज फर्स्ट बाइट को मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ज्ञानेंद्र चौहान ने यह जानकारी दी। ये हमारे पास दो मरीज यशपाल और गुरबचन जी आए थे। यशपाल जी 4 तारीख को भर्ती हुए थे और गुरबचन जी हमारे पास 3 तारीख को भर्ती हुए थे। कल दोनों की डेथ हुई, तो लगभग दोनों के अटेंडेंट जल्दबाजी में कर रहे थे कि हमें बॉडी दे दीजिए, बॉडी जाए, उसमें वो बॉडी चेंज हो गई, तो ये मामला है। सर, कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं इस तरीके से बॉडी चेंज होना? ये बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है और इसमें जो भी दोषी हैं, जिनका भी इनका हम लोग पता कर रहे हैं, इंक्वायरी मैंने बिठा दी है, जो और इंक्वायरी की हमारी रिपोर्ट कल सुबह तक देगी, जांच समिति की रिपोर्ट दी, जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, मुझे पता चला है कि जो बॉडी थी एक का अंतिम क्रियाकरण हो चुका है, दूसरी बॉडी आनी है, उसे लाने के लिए क्या उसको दूसरी बॉडी लाने के लिए हमने अपनी एम्बुलेंस जो शव वाहन भेज दिया है मोदी नगर, वो लेके आ रहे हैं। उनका जो जैसा है, दोनों फैमिली से बात भी हो गई कि वो अपना कर रहे हैं। कहाँ कहाँ के रहने वाले थे? गुरबचन जी मोदी नगर के रहने वाले थे और ये आपके यशपाल जी मेरठ के। इसमें लापरवाह कर्मचारी, जैसे लापरवाही है, गंभीर लापरवाही है, लापरवाही कर्मचारी सब क्या कर रहे हैं? लाभ उनको जो भी अगर जो मेरे स्तर से जो पनिशमेंट दिया जा सकता, मैं उन कर्मचारियों को मैं अपने स्तर से पनिशमेंट दूंगा, और जो डीजी स्तर से जो हमने अपने उच्च अधिकारियों को भी इन्फॉर्म कर दिया है, डीजी स्तर से जो पने उनका कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मैं संस्तुति करूंगा। इसके बाद जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने यह बताया कि ADM सिटी व CMO की जांच कमेटी गठित कर दी गई है। जनपद गाजियाबाद का एक प्रकरण अभी संज्ञान में आया है, आपके द्वारा बताया गया है, डेड बॉडी एक्सचेंज जो कुछ हुआ है, इसके लिए जो है जनपद स्तर से जो है तत्काल जो है ADM सिटी और CMO की जो है कमेटी गठित कर दी गई है। वो लोग मौके पर पहुँच कर जाँच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करके तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में अभी इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।